हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोज स्टडी मैथ्स ट्रिक्स में. आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस की. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आप इसको नॉर्मल तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है. हम कोई भी इसे कर नहीं सकते एग्जाम में. तो क्वेश्चन है हमारा 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62 प्लस 4 to the power 63 प्लस 4 to the power 64 प्लस 4 to the power 65 इज डिविजिबल बाय 3, 5, 11 and 17. मतलब जो ये पूरा नंबर है ये इनमें से किसके द्वारा विभाजित होगा, इन चारों में से. तो आप अगर सॉल्व करने जाओ तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा. तो आप इसको शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, जस्ट इन सब में से जो ये फर्स्ट टर्म है 4 to the power 61 इसको आप कॉमन ले लीजिए. तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा सबसे पहले 1, क्योंकि ये तो बाहर आ गया है. अब प्लस, अब 4 to the power 62 में से 4 to the power 61 बाहर जा चुका है तो ये बचेगा 4 to the power 1, क्योंकि ये इसी हिसाब से तो हुआ था 4 to the power 1 प्लस 61 इज इक्वल टू होता है 4 to the power 62 और ये आ गया 4 to the power 61 बाहर, तो बचा 4 to the power 1. फिर ये बचा आगे 4 to the power 2, फिर बचा 4 to the power 3 एंड यहाँ बचा 4 to the power 4. अब इसे आप आगे सॉल्व कर लीजिए. ये आपका हो गया 1 plus 4 plus 16 और ये हो गया 64 एंड ये हो गया 256. अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 341. अब आपको सिंपली कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि ये 341 इनमें से किसके द्वारा विभाजित है, किसके द्वारा ये डिवाइड हो जाएगा. तो जब हम इसमें मेथड 2 लगाएंगे तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4, 3, 7 and 8 ही नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि एंड का नंबर 5 और 0 नहीं है, 11 से तो 3 and 1 4 plus 4 minus 4, तो ये जो डिवाइड होगा 11 से, तो जो इतना बड़ा ये नंबर था इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 11. आप इसी तरीके से और भी कोई क्वेश्चन हो उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं.